हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर ऑल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप लोग एट बॉल पूल की जो फ़ोटो होती है वो कैसे चेंज कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो मिनीक्लिप का अकाउंट के सब बताना सिखाएंगे हम आपको। मिनीक्लिप हो या फेसबुक हो, उससे आप कैसे चेंज कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, प्लीज़ ये जो रेड बटन दिखाई दे रहा है इसको हिट कर दो, और ये जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखा दूँ कि मैंने भी करके दिखाया है कि प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने का। मैं आपको अपनी स्क्रीनशॉट दिखा दूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी प्रोफाइल पिक्चर ये थी, ये है प्रोफाइल पिक्चर, ये थी आई थिंक, ऐड आ गया, सॉरी फ्रेंड्स। मेरी प्रोफाइल पिक्चर ये थी, तो आप देख सकते हैं कि अभी ये है और मेरी यूनिक आईडी ये है और वो सब कुछ आप देख सकते हैं। और यही मैं यहाँ पर दिखा दूँ अभी मेरे क्या हाल है। अभी मैंने प्रोफाइल पिक्चर की चेंज करी हुई है और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, लेवल वही है, वो भी वही है और यूनिक आईडी भी वही है। तो मैं आपको अपने एट बॉल पूल में एक बार जाके दिखा देता हूँ कि मेरा जो सब कुछ है वो सब कुछ सेम ही है। ओपन हो गया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मिड बॉल पूल में आ चुके हैं। अभी मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ अपनी प्रोफाइल पे मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरी जो प्रोफाइल है वो चेंज हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वही यूनिक आईडी, वही विनिंग और वही प्रोफाइल पिक्चर जो कि मैंने चेंज करके दिखाई है। मैं आपको वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग ये प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, आपको उसको फॉलो करना है। नहीं तो अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको फॉलो नहीं करना। अगर आप एंड्रॉयड, ये ट्रिक एंड्रॉयड और पीसी दोनों के लिए बनाई थी, तो इसलिए मैंने एक ब्राउज़र के लिए वो किया है क्योंकि ये एंड्रॉयड में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे वो जो ब्राउज़र उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप उस ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो आप अपने पीसी में इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र का नाम है पफिन ब्राउज़र, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपको जस्ट को ओपन करना है और miniclip.com को आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको आपकी जो मिनीक्लिप आईडी है उससे लॉगिन कर लेना है, नहीं तो आपकी जो फेसबुक आईडी है आप उससे लॉगिन भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आप मिनीक्लिप आईडी है तो, या जो भी आईडी आप पहले लॉगिन करी है उस पहले आपको उसको लॉगिन करना है, उसके बाद उस आईडी को लॉगिन करना है जो कि आपकी न्यू क्रिएट करी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी फेसबुक आईडी है और आपको उसी प्रोफाइल से चेंज करनी है, या फिर आप लोगों को miniclip आईडी की, मैं एग्जाम्पल मान के चलता हूँ कि miniclip की हमें प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे miniclip में आना होगा और यहाँ पे miniclip का अकाउंट साइन इन कर लेना होगा और ध्यान रहे कि हम उससे प्ले कर चुके हों। उसके बाद हमें एक काम करना होगा, एक फेसबुक आईडी क्रिएट करनी होगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने एक फेसबुक आईडी क्रिएट करी हुई है और इसकी प्रोफाइल पिक्चर भी आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगा ली। अब मुझे करना क्या होगा, मुझे एक न्यू क्रिएट करी जिस पर मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाई है जो कि मैं एट बॉल पूल में शो कराना चाहता हूँ, वही पिक्चर लगाऊंगा मैं इसके अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी ये है और अभी मैं आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। अभी नहीं शो कर रहा है, मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन। आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है फेसबुक वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे आपकी आईडी लॉगिन हो जिससे आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है आपके miniclip आईडी पर। तो ये कर लेने के बाद आप लोगों को बस आ जाना है बैक। ओ, आप लोगों को एक और स्टेप फॉलो करना है, बस मैं आपको वो दिखा देता हूँ वो स्टेप क्या है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि हम यहीं पर हैं और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर चेंज होती है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, चेंज हो चुकी है क्योंकि मैंने अभी यहाँ से लॉगिन किया था, लेकिन आप लोगों की चेंज नहीं हुई होगी क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एडिट प्रोफाइल में जाके एक चीज़ करनी होगी अप्लाई। एडिट प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको, ये जो चेंज है आप इसको सलमान, मतलब जो आपने जो कि आपकी फेसबुक आईडी का नाम है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने से होगा ये कि ये देखिए फ्रेंड्स, अब जब आपकी फेसबुक आईडी भी लॉगिन है और यहाँ पे जो आप प्रोफाइल पिक्चर चाहते थे वो आपकी लग चुकी है। और मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊँगा अगले जो आपको बहुत मज़ेदार होने वाला है, आपके फ्रेंड्स देख के चौंक जाएंगे अगर आप लोग एट बॉल पूल प्ले करते होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अगर आप वो वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो एक सरप्राइज़ होने वाला है।
जो आपको मज़ा आएगा ही आएगा आई थिंक। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक करने कोई पैसा नहीं लगता। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको और ज़्यादा वीडियोस देखने हैं एट बॉल पूल की ट्रिक्स एंड टिक्स के बारे में, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वहाँ पे एट बॉल पूल गेमिंग सोशल मीडिया से रिलेटेड टिप्स एंड टिक्स लाता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।